खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से दम दिखाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री काशी दौरे पर थे, लेकिन इस दौरे को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उद्घाटन के दौरे के तौर पर माना जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने काशी से यूपी चुनाव का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफों में कसीदे पड़े और पिछली सरकारों की नाकामियों को गिनाया, उससे राजनीतिक गलियारों में अंदाजा यही लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि पूर्वांचल के वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए गए थे। जेपी नड्डा ने भी कहा है कि सपा बसपा को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदली है। चार साल में यूपी काफी आगे बढ़ गया है, आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तीन दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची है। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी यूपी पहुंचते ही सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। इसको भी कांग्रेस के एक चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। और वहीं सपा और बसपा भी पूरी तरीके से जीत और मेहनत में जुटे हुए हैं। बाकी अन्य दल भी पूरी तरीके से मेहनत में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या मोदी योगी की जोड़ी के आगे विपक्ष मजबूत हो पाएगा? यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था, ये तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी, जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 ईयर्स हैज बिकम अ स्टेट, पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बनकर के खड़ा हुआ है। इस बात को हमको विरोधी कोई गठबंधन कर रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है, कोई कहता है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा है, कोई सच बोल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कल का फ्लॉप प्रदर्शन रहा उसमें जो देश विरोध के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, सरकार और पुलिस तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। क्या उत्तर प्रदेश को बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूपी में लगेंगे? वह नहीं लगने पाएंगे, ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ऐसे नारों के साथ अखिलेश यादव उनकी पार्टी है सर? देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है। आतंकवादियों की जब सत्ता में थे मुकदमे वापस लेते हैं, जब पुलिस उत्तर प्रदेश की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ करती है तो उसका विरोध करते हैं। गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं का एक बड़ा तंत्र समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, और वह मतलब टेलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल राज कायम हो गया है, कानून का राज समाप्त हो गया है, महिलाओं की असमत सुरक्षित नहीं है, रोज लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनी है, निश्चित तौर से पूरा देश दुखी है। जिस तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला के साथ जो अभद्रता की गई, उसकी साड़ी को खींचने का काम किया गया, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ मौन धारण करके इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, गुंडा राज की समाप्ति के लिए और इस भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के चरणों में आज यहाँ मौन धारण की है और निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि सरकार को सद्बुद्धि दे। जिस तरह
पैमाने पर पंचायत चुनाव में तरह से हिंसा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, खासकर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है। गांधी जी ने यहां पर गांधी जी के चरणों में फूल अर्पण करने के बाद वो मौन धरने पर बैठ गई। खबरनामा में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है मोदी योगी की को टक्कर देने के लिए, ये जो जोड़ी इस समय बनी हुई है। हालांकि हमने पहले भी देखा था, जो इलेक्शन है वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, इस बार दो दो चेहरे हैं, विपक्ष कितना मजबूत है खासकर पूर्वांचल में? बहन जी, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा जंगल प्रदेश बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में जिस तरह सीता मैया और हमारी बहनों के साथ चीरहरण का कार्य इस ब्लॉक और जिला जनपद के चुनाव में हुआ है, श्री राम भगवान होते तो लज्जित हो जाते, लेकिन श्री राम भगवान के तथा कथित जो अपने स्वघोषित उनके लोग हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है कि किस तरह से मंत्री मस्त है खाने में, महिला लुटती थाने में। मैं तो कहना चाहता हूं कि योगी मोदी की जोड़ी इस बार ले डूबेगी उत्तर प्रदेश को। प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई है, मौन धारण किए हुए हैं, क्या मतलब है इसका कुंवर सिंह जी? जब संसद और विधानसभा में न्याय नहीं होगा तो महात्मा गांधी के देश में धरना ही एक ऐसा आंदोलन, ही एक ऐसा हथियार है जो इस अंग्रेजियत की औलादों को टक्कर देगा, क्योंकि देश में की मर्यादा जरा बनाए लोकतंत्र की जगह बनाए रखें। जैसे जैसे आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वैसे दूसरे भी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जिस तरह से सब हिंदुस्तानी है, जितने हिंदुस्तानी रहते हैं सब हिंदुस्तानी, राज्य तंत्र में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है, उस तरह अब लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया के साथियों पर सड़क पर जा रहे, तो अब हमारी नेता को थाने रोड का रास्ता खुला है, हम धरने पर बैठे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल आपसे होगा। कैप्टन आई सिंह जी, प्रधानमंत्री का काशी दौरा था या फिर चुनावी बिगुल बजाने के लिए वहां पर पहुंचे थे? कलन जी, प्रधानमंत्री का काशी खुद उनका अपना संसदीय क्षेत्र है और वो कभी भी वहां जा सकते हैं क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है। और काशी के लिए जो भी हमने 1500 करोड़ की जो योजना वहां जो घोषणा की है, वो आपने देखा होगा, इससे पहले भी हम काशी के लिए बहुत कुछ कर सके हैं। आज काशी की दशा और दिशा दोनों ही जो 70 साल में नहीं बदली वो अब दिखाई दे रही है। काशी के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर थे जो चार बाउंड्री के अंदर बंद कर लिए गए थे और दिखाई नहीं देते। सवाल उस पर नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, सवाल उस पर नहीं है कि संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, वहां पर कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया, ठीक है, वो उनका संसदीय क्षेत्र है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सवाल विपक्ष का वहां पर है कि योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है और जो विपक्ष है पिछली सरकारें हैं, पिछली सरकारों की नाकामियों को गिनाया जाता है। मतलब पूरा जो फोकस था वो यूपी इलेक्शन पर था, सवाल इसलिए है। अगर आप वहां पर गए तो जो पब्लिक को सौगात देनी है वो दीजिए, आप सरकार की तारीफ करिए, लेकिन जो ये इलेक्शन वाला फोकस था, सवाल उसको लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काजल जी वही पर मैं आपको लाना चाह रहा था, मगर आपने उसको दुरुस्त किया और बात मैं उसी पर लेकर आई हूं। हाँ, तो मैं उसको अब और दुरुस्त कर दो। जब योगी जी ने जो वहां पर काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो जग जाहिर है। आज हमने वहां ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दिए हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जितने पीड़ित लोग थे, ज्यादा से ज्यादा वो हमने रोजगार दिया है।
और 80% जनता को हम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना आज कहीं से कहीं परेशान नहीं है और उत्तर प्रदेश छोड़ के अब वो वापस कैप्टन आई सिंह सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। कैप्टन आई सिंह जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे आप। सवाल पर आइए ना, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। हम बिल्कुल आपके सवाल पे ही आ रहे हैं। हाँ। और उसकी पहले हम आपको बता दो पूरी रणनीति तो उसकी भूमिका क्या है। सिंह वो सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कैसे काम हो रहे हैं, योगी सरकार कैसे काम कर रही है और आगे की क्या रणनीति है वो भी लगातार बताया जाता है। वो सबको पता है कैसे कैसे बिल आ रहे हैं, कितना विरोध हो रहा है, कितना समर्थन हो रहा है, वो भी सबको पता है। मुद्दे पर आइए आप, क्योंकि विपक्ष ऑलरेडी बहुत समझदार है। विपक्ष ऑलरेडी बहुत समझदार है, चाहे हमारे देश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो। कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको भी पता है क्या चल रहा है, योगी सरकार क्या क्या कर रही है। काजल जी, आप थोड़े हमें बोलने का मौका दिया करें, आप हमें बोलने का मौका देती बोलिए आप। नहीं, मैं नोट करता हूँ। मैं दिन में कम से कम चार चैनलों पे जाता हूँ। आप हमें ज्यादा टोकती, दूसरे जो प्रवक्ता आते हैं उनको टोका था। आप बोलिए। मैं दो शब्द मैं कह नहीं पाऊंगा, आप चार शब्द कह डालेंगे तो फिर हमें बोलने का मौका नहीं देंगे। अब समय है आपके पास, आप बोलिए। आप बोल क्या रहे, आप हमें धोखा दे। हम वही बात को बता रहे हैं कि हमने जिस तरह से कोरोना काल में आम जनता को हर जगह जाके देखा है। ये जो योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री है जो आज जगह जगह घूम रहे, गांव गांव जा रहे हैं कोरोना काल में, क्या ये विपक्षी पार्टियां गई है? प्रियंका गांधी कहां जा रही है बताए, कितने बार गई है, कितने कोरोना काल को देखा जाके? या कोरोना काल के लिए इन्होंने 70 साल इन्होंने इस देश का राज किया है, कोरोना काल के लिए क्या मदद की है, क्या इनका योगदान है? इनके पति ने जो कह रहे हैं कि घोटाले, इनके पति ने सरकारी जमीने पूरे दिल्ली की बेच खाई है और आज वो ईमानदार बन रही है। तो कुछ कोरोना काल के लिए थोड़ी बहुत मदद की है तो उसको बताएं इनके प्रवक्ता कि कितना पैसा इन्होंने कोरोना राहत कोर्स में दिया है। मगर वो कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास जो कहने को कुछ नहीं होता है तो ये इधर उधर भागते हैं। अभी जैसे प्रवक्ता जी कह रहे थे कांग्रेस के नेता कि सीता मैया, अरे सीता मैया को तो आपने माना कहा था, आपका कहना तो ये था कि राम जो है ना पैदा हुए ही नहीं है, अगर हुए हैं तो आप बताइए कौन से कमरे में हुए हैं। राम सेतु को बताते थे कि कल्पनिक है। आपने 70 साल सरकार रही, कभी जन्मभूमि का जो है ना फैसला नहीं आने दिया, आप रोक लगाते रहे और बात सीता मैया की कर रहे हैं, आप बात राम की कर रहे हैं। तो आपका चल चरित्र चेहरा दोनों ही काले हैं, आपका मन काला है, इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि प्रियंका गांधी क्या है और क्या कर रही है। ठीक। और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। हाँ। और उनको एक टाइटल दे दिया है ना पप्पू, तो पप्पू बना के छोड़ दिया, ये भूल जाए। काजल जी, आपने देखा होगा कि चुनाव जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में वहां पर कांग्रेस का 0 आया है और हमने वहां 75 सीट तो मैं तो 67 सीट कर ली है और तीन सीट निर्दलीय की थी, वो भी आके हमारे साथ मिल गए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये है कहाँ, ये कहीं नहीं है, मैं इनको कुछ मानता ही नहीं हूँ वहाँ पर। बिल्कुल, ये मेरे लिए वहाँ पर कहाँ वो है, कहाँ ये जवाब चैलेंज नहीं है। बिल्कुल, ये जवाब लेते हैं उनसे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्यों बीच बीच में टोक रही थी, मैं इसीलिए बीच बीच में टोक रही थी कि आप प्रियंका गांधी पर पहुंच गए, पंचायत इलेक्शन पर पहुंच गए, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं इसीलिए बस इसीलिए मैं आपको बीच बीच में टोक रही थी। कुंवर सिंह जी, सवाल आपसे होगा, आप लोग हैं कहाँ, दिखाई नहीं देते उनको। बहन जी, कप्तान साहब का जनरल नॉलेज याद दिलाता हूँ। रामलला का दरवाजा राजीव गांधी ने 1988 में खुलवाया था, याद कर लीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हम हैं कहाँ, यदि हम नहीं हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? आप छाती ठोक कर कहिए ना कि हम काम कर रहे हैं। आपके योगी जी के और मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से चुनकर आ रहे हो, अधिकतर मंत्री राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, कैप्टन वीके सिंह और अनुप्रिया पटेल, बहुत सारे मंत्री, उनका जरा आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ एक नजर में कप्तान साहब, देख लीजिएगा। कुंवर सिंह जी, विधानसभा इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में
और आज से प्रियंका गांधी का सड़क पर बैठ जाना, वहां पर मौन रखा गया, कांग्रेस के कई और नेता भी बैठे हुए हैं, वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। ये वक्त है प्रचार का, ये वक्त है अपनी सफलताओं को गिनाने का, ये वक्त है अपनी उपलब्धियों को गिनाने का। ये सड़क पर बैठने का मतलब क्या है और क्या इसको इलेक्शन से जोड़कर हम देख सकते हैं, क्योंकि चुनावी स्टंट सीधे सीधे कांग्रेस का इसको बताया जा रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। बहन जी, जब रात को बेटी उत्तर प्रदेश में जली थी तब भी हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी गए थे, यही योगी सरकार ने उनको हिरासत में ले लिया था, वहां जाने नहीं दिया था। हमारी नेता यदि कुछ कहना चाहती है, यदि कुछ करना चाहती है, जब उनको रोका जाता है तो जाहिर सी बात है कि रोड पे हम बैठेंगे। हम किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को मार पीट नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देखिए, पुलिस वाले पिट रहे हैं, एसएचओ को मार रहे हैं। ये गुंडागर्दी, गुंडा प्रदेश बनाने की ओर योगी आदित्यनाथ की चाल, और मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। कांग्रेस का चुनावी स्टंट है कि नहीं, इतना जवाब दीजिए। यूपी में ये वाला जो आज से शुरू हुआ, क्योंकि बागडोर जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में है, ये सबको पता है। अब स्टंट कैसे कैसे होंगे ये आप जानते हैं, आपकी पार्टी का नेतृत्व जानता है, इसका जवाब दीजिए छोटा सा, फिर कैप्टन आई सिंह जवाब देंगे। प्रियंका गांधी के धरने में बैठने पर भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपना काम करिए, प्रियंका गांधी को आजाद घोर के काम करने दीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बढ़ती हुई महंगाई, गन्ना के किसानों के साथ अत्याचार, किसानों का जो शोषण हो रहा है, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के अत्याचार के खिलाफ देश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, विश्व जान गया है। और आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा, देखिएगा। प्रियंका गांधी हमारी नेता है, उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही योगी और भारतीय जनता पार्टी में खलबली, इसी का उदाहरण। बिल्कुल, आने वाला वक्त किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैप्टन आई सिंह, बीजेपी सरकार ने इतने अत्याचार कर दिए हैं, इतना भ्रष्टाचार कर दिया है, उत्तर प्रदेश में इतना अपराध हो रहा है कि अब प्रियंका गांधी को सड़क पर बैठना पड़ा है उसके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ, वक्त ये आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको काजल जी बताना चाहूंगा कि हमारा अत्याचार यहाँ है कि जितने गुंडे थे हमने आज वो गुंडे या तो सुधार दिए या वो सुधार चुके हैं, और वो जितनी उन्होंने संपत्तियां बनाई थी जनता को लूट के, सरकार की अवैध कब्जा करके, वो आज हमने सब धराशायी कर दी है। वो 17 अरब रुपए की संपत्ति गवर्नमेंट ने कब्जा करके अपने अंडर लिए, 17 अरब की उत्तर प्रदेश में हमने इन गुंडे की, भूमाफियाओं की, इन टेररिस्टों की, इन कालाबाजारियों की, इन कांग्रेसी नेताओं की संपत्ति वहां जब्त करी है, जो इनके सारथियों ने जो पल रहे थे। आज अभी हमने सुनाया फिर भी अजय कुमार लल्लू जंगलराज उत्तर प्रदेश को बोल रहे, आपने सुना होगा, अभी अभी चला है। काजल जी, ये स्वतंत्र है, हमको इनके ऊपर रोक नहीं लगा रहे, ये स्वतंत्र है, ये अपने कर्मों से ही तो आज इनकी स्थिति ये हुई है। ये झूठ बोल बोल के, ये पार्टी सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी बन के रह गई है, इनके यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, इनके यहाँ कोई नेता नहीं है, अब ये सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी रह गई। झूठ बोलो और भाग जाओ, मतलब लोगों पे ब्लेम लगा दो, जाति धर्म और भाग जाओ। कैप्टन आई सिंह, एक सवाल का जवाब दीजिए। कैप्टन आई सिंह, एक और सवाल का जवाब दीजिए, जो जाति धर्म की आप बात करें, जाति धर्म आस्था, क्या इस सबको बीजेपी नहीं लेकर आती है? क्या ये सब बीजेपी का कल्चर नहीं है इलेक्शन के, खासकर इलेक्शन के समय में, इसका जवाब दीजिए। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम इस हिसाब से चलते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने जब गैस चूल्हे बांटे, क्या हमने जाति मजहब देख के बांटे हैं? हमने शौचालय बनवाए, क्या हमने जाति मजहब देख के बनवाए हैं? हम खाद्यान्न आज फ्री बांट रहे 80% जनता को, क्या जाति मजहब देख के बांट रहे? तो हमारी जो योजना है वो सबके लिए है, मगर इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये मंच से कहा था कि हिंदुस्तान की जितनी भी सुविधाएं हैं उन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है,
अगर हमने ऐसा कहीं कभी नहीं कहा कि इस पे हिंदुओं का है या मुसलमानों का, हमारा कहना तो यही है सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, ठीक है कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह जी जात पात की राजनीति सिर्फ कांग्रेस करती है, जात पात की राजनीति ये बीजेपी का काम नहीं है, सिर्फ कांग्रेस करती है, उनका कहना यह है, जवाब दीजिए। अरे जिन्होंने जात के नाम पर सरकार पाई हो वो हमें सफाई देंगे, ये कह रहे थे कांग्रेस के नेता की संपत्ति जब्त हुई है, आपकी सरकार है, आपने कहा प्रियंका गांधी के पति ने जमीन, आपकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा की सरकार को जेल में भेज दीजिए जिनने गड़बड़ किया है, लेकिन सिर्फ आडंबर करना और सिर्फ ये कहना, और आप धर्म की बात करते हो, जिसने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को कत्लेआम करा दिया, अभी ये आई सिंह जी कह रहे थे कि न्यायालय में फैसला नहीं होने दिया कांग्रेस में, आपका यह कहना है कि आप न्यायालय को भी कब्जे में कर लिए हैं, यदि आई सिंह जी आपकी नरेंद्र मोदी सरकार न्यायालय को भी कब्जे में कर ली है तो आप जान लीजिए कि आपके ही राज में चार जस्टिसों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब न्याय हिंदुस्तान में नहीं रह गया है। ठीक है कुंवर सिंह जी, डिबेट हो जाएगी, मुद्दे पर वापस आते हैं, सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस कितनी तैयार है उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में योगी मोदी की जोड़ी को टक्कर देने के लिए, जवाब दीजिए। अब मोदी जी का क्योटो शहर तो बनारस होने वाला था, दुनिया ने देख लिया है, कांग्रेस पूरी शिद्दत से लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी, और आप जान लीजिए जय खुजली वाले लोग सिर्फ अयोध्या में जमीन बेचेंगे राम मंदिर की, कुंवर सिंह जी इनके पास कोई काम नहीं बचा है। कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह जी आप लोगों की जो ताकत है वो दिखाई नहीं दे रही, देखिए एक चीज यहाँ पर समझिए जो कि बहुत जरूरी है, बीजेपी के पास चेहरे हैं, मोदी का चेहरा है, योगी का चेहरा है, वो उसका अभी से खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दिख रहा है साफ तौर पर, काशी में दिख गया, उसके अलावा भी दिख रहा है कि बीजेपी सिर्फ चेहरे पर चुनाव लड़ती है, काम नाम एक तरफ, सिर्फ चेहरे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो तैयारी नहीं दिख रही है, कांग्रेस की तरफ से भले ही बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली हो वो वहां पर सड़क पर बैठ गई हैं, क्या इससे टक्कर दे पाएंगे आप लोग योगी मोदी के चेहरे को? योगी मोदी नहीं, पूरी बात सुन लीजिएगा, जवाब दूंगा मैं। हाँ बोलिए। देश में राहुल गांधी एक सांसद है, उस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 372 सांसद है, इनके किस सांसद में हिम्मत है? हमारा नेता राहुल गांधी एक ट्विटर करता है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, भाजपा के नेताओं में खलबली मच जाती है, आप कहते हैं टक्कर नहीं दे रहे हैं, मोदी जी आपके 371 सांसदों की तुलना कर लीजिए हमारे नेता राहुल गांधी के साथ, नेता की बात करते हैं आप तो कहीं टिक ही नहीं रहे। केवल देश में एक ही नेता राहुल गांधी बचा है जो कहता है वो करता है, और आप तो सिर्फ जुमलों की सरकार है, आप सिर्फ जुमले गढ़ेंगे, जुमले कहेंगे और जुमले ही करेंगे। कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। काजल जी, इन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता भ्रष्टाचारी है तो उनमें जेल में जाते हैं, इनको जो है ना प्रियंका चालीसा पढ़ने के अलावा और इनको कुछ आगे जानकारी नहीं, इसलिए वो प्रियंका चालीसा पढ़ रहे हैं। इनको मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारी सोनिया गांधी, तुम्हारे राहुल गांधी, रॉबर्ट वडेरा, प्रियंका गांधी, ये सब भ्रष्टाचार में बेल पे हैं, बेल पे हैं, जिसको फैसला आ गया जेल में जाने का टाइम नहीं लगेगा, ये सब बेल पे चल रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरा राहुल गांधी नेता इनके सारे मंत्रियों पे और सांसदों पे भारी है। अरे हमारी एक स्मृति ईरानी ने किस तरह से वहां से भगाया है, जहां से तुम जो है ना कब्जा करके बैठे थे राहुल गांधी, शुरू से उन्होंने एक बार में ही भगा दिया, जो आप जाके कहां चुनाव लड़े, जहां मुस्लिम क्षेत्र था वायनाड, तो तुम्हारी कितनी औकात और ताकत रह गई है वो हमारी स्मृति ईरानी ने दिखा दिया कि राहुल गांधी उनके सामने क्या है। तो ये तो कहना भूल जाओ, हम कांग्रेस को चुनौती कतई ही नहीं मानते, कांग्रेस हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मैं शून्य मानता हूँ, जैसे पंचायत चुनाव में ये शून्य हुए हैं, ऐसे ही इनको हम विधानसभा चुनाव में शून्य में खड़ा कर देंगे, ये हमारे सामने है ही कुछ नहीं, हम जनता के सामने। काजल जी, कांग्रेस को नहीं, काजल जी किसको मानते हैं बताइए? नहीं, हम तो काम, अपने काम पे विश्वास कर रहे हैं काजल जी, हमने जो काम किया है,
हम काम के काम को लेके जनता के सामने जाएंगे और ये रखेंगे कि हमने अगर आपके साथ पांच साल कुछ किया है, अगर इस प्रदेश में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास किए हैं, लोगों को रोजगार दिया है, कोरोना काल में हमने अच्छी तरह से अगर इस प्रांत को संभाला है तो आप हमें वोट करिए। तो हम अपना विकास लेके जाएंगे, हम झूठे वादे लेके नहीं जाएंगे। जो हमने पांच साल किया है वही जनता के सामने लेके जाएंगे और वही हमारी तैयारी है। सवाल बाद में पूछूंगी, ये सवाल आपसे बाद में पूछूंगी। कुंवर सिंह जी, वो अपने काम को लेकर जाएंगे, आप क्या लेकर जाएंगे, सरकार की नाकामियां या फिर कुछ और भी है? सरकार में ये है, देश की सरकार इनकी है, प्रदेश की सरकार इनकी है। ये बताएंगे कि कितना अत्याचार हुआ, रात में बेटियों की लाश जल रही हो, छात्र आंदोलन कर रहे, इन्होंने कहा हमने काम किया है, कितने पेड़ों नौकरी पैसा लोगों की नौकरी खतरे में आई है, लोग अब अपने जीपीएफ से काम चला रहे हैं, उनका जीवन यापन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, गन्ना किसान आंदोलन पर, देश में उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा आंदोलन पर है, श्रमिकों पर कुठाराघात आपने किया है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन पर आपने देशद्रोह, पत्रकार साथियों पर आपने देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, कोई न्याय मांगने जाए तो आप उस पर देशद्रोह लगाकर जेल में बंद कर देते हो। ये तो समय तय करेगा, ये तो वक्त बताएगा। विपक्ष आवाज नहीं उठा पाता है, कुंवर सिंह जी उसकी वजह यह है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा पाता, विपक्ष मजबूत नहीं है, यही वजह है, विपक्ष मजबूत नहीं है, आवाज नहीं उठा पाते आप लोग, इसलिए आपकी सुनी नहीं जाती। धरने पर बैठ जाए तो आप कहते हो कि ये चुनाव का है, भाई हम आवाज ही तो उठा रहे हैं। हम जाते थे, हमारे नेता को रस्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता, ये आवाज उठाना नहीं है। हमारे नेताओं की जब बात नहीं सुनी जाती तो धरने पर बैठ रहे, गवर्नर के निवास के सामने आंदोलन कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में लोग आग लगा लेते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की वजह से निषादों के साथ अत्याचार हुआ, हमारी नेता पहुंची राजभर जातियों के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हुआ, हमारी नेता पहुंची यहाँ पर मिर्जापुर में निजी कंपनी के लिए, आपके आपकी ही सरकार ने हजारों हेक्टेयर भूमि दे दी, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ, हमारी नेता प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप कहते हैं विपक्ष कमजोर है, जवाब दीजिए, आप विपक्ष की सुनते नहीं है। प्लेयर के पास बोलने के लिए सिर्फ पिंटा चालीसा है वो सुना रहे। अब मैं बताऊं काजल जी, बोलिए, इन्होंने एक नहीं तीन बार इन्होंने कहा कि इसमें हाथरस स्टैंड पे ये तीन बार गए। मैं बताना चाहूंगा हाथरस कांड में जिस लड़की के साथ जो कांड हुआ, जो थे वो तुरंत पकड़े गए, सीबीआई जांच कराई गई और आज वो लोग जो है ना जेल में है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी वहां भी लड़की थी। और अभी थोड़े दिन, एक महीना पुरानी बात है, गाजियाबाद में दलित लड़कियों की बारात आ रही थी और खुलेआम मुस्लिम समाज के लोगों ने बारात को मारा पीटा, बुरी तरह से उनको बेइज्जत किया गया। प्रियंका गांधी कहां गई थी तब? प्रियंका गांधी को क्या सांप सूंघ गया था? दलित लड़की वहां भी थी और दलित लड़की यहां भी थी। तो इनका एजेंडा चलता है कि हिंदू किधर है, क्योंकि यहां मुसलमान थे मारने वाले, इसलिए इनके मुंह पे ताला लग गया, और उधर हिंदू थे उसमें, तो इन्होंने जाके प्रियंका गांधी दौड़ के पहुंच गई, धरना दे दिया। कैप्टन आईसी, अगर आप हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर आएंगे तो सवाल आप पर भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत ज्यादा उठ जाते हैं, सवाल बहुत है, क्योंकि विपक्ष उसका भी लगातार विरोध करता आया। एक सवाल मेरा सुनिए, लीडिंग स्टेट के तौर पर बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे, एक लीडिंग स्टेट के तौर पर जिस तरीके से विदेशों में भी तारीफ हुई है कोरोना नीति की, उत्तर प्रदेश की, कि जो उत्तर प्रदेश की कोरोना नीति थी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही, क्या इसके दम पर आप इलेक्शन जीत लेंगे? कि जो कोरोना में जिस तरह से योगी जी ने काम किया है और कोरोना काल में घर घर जो पहुंचे हैं, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ गाजियाबाद के भी तहसील क्षेत्र में आपको रुकेंगे, ब्रेक लेना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा, खबर से असरता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, अपनी बात पूरी करिए, क्या लीडिंग स्टेट के तौर पर आप जीतेंगे यूपी? बिल्कुल यूपी, हम यूपी में अब की बार सीटें 300 से पार करने जा रहे हैं। आप ये निश्चिंत मान के चले, हम बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना अपने आप को पूर्ण विश्वास मानते हैं। जिस तरह से योगी जी ने कोरोना काल को उत्तर प्रदेश को संभाला है, तो विदेशों में योगी जी की तारीफें की जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया के जो है ना शासक ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि यो अगर भारत सरकार योगी जी को हमें कुछ दिन के लिए लोन पे दे दे तो हम अपने यहाँ भी कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो हम नहीं तारीफ कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत हो रही है, ठीक है कैप्टन आई सिंह, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि विदेशों में आपकी तारीफ हो रही है लेकिन हमारे देश में आपके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष निंदा कर रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ निंदा कर रही है, कोई फायदा है इस चीज का? मैं कहना चाहूंगा कि ये विपक्षी पार्टियां जो भी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मायावती पार्टी हो, ये पार्टियां क्या है? ये घर, ये एक परिवार की पार्टियां हैं, ये इनका पारिवारिक हित है, ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी जब सत्ता में रही, आपने देखा कि पूरा परिवार उनका जो है ना सरकार में शामिल था, और सरकार से बच गए तो जितने सरकारी पद थे उनमें उनके रिश्तेदार हो गए, थानों में सारे उन्होंने एक जाति के थाना इंचार्ज बैठा दिए, सरकारी पद सारे उन्होंने एक जाति को दे दिए। तो ये क्या है परिवार? इसी तरह से कांग्रेस है, कांग्रेस जो है ना पूरी सत्ता और संगठन दोनों किसके हाथ में रहता है? नेहरू गांधी के परिवार में, और वो रिवोट से चलाते हैं, जिसको जिस तरह से अभी देखो इनका पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में, हरियाणा में जिस उठाव पटक मची आप उसमें लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस तो अब कहीं बची नहीं है, और आने वाले एक दो चुनाव में कांग्रेस शून्य हो जाएगी, ये सत्यता है। कांग्रेस कहीं नहीं बची है, ठीक है कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए, कांग्रेस उनको कहीं नजर ही नहीं आती है, कुछ ऐसा करिए ताकि उनको कांग्रेस दिखे, कुछ ऐसा करिए ताकि आप लोग जमीन पर धरातल पर दिखे, आप लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। कुंवर सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कैप्टन आई सिंह अपनी बात पूरी करिए आप। यही मैं कहना चाहूंगा काजल जी, हम काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता का विश्वास जीत रहे हैं, जनता के सुख दुख को हम अपना सुख दुख बना रहे हैं। हम जो विकास आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हमने 4 हाईवे तो इतने बड़े दिए हैं कि एक जो गंगा कॉरिडोर और बुंदेलखंड हाईवे, ऐसे 4 बड़े बड़े हाईवे दिए, छोटा हाईवे कोई वहां जितने दिए वो तो अलग है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले लाइट, लोग सोचते थे कि लाइट कब आएगी, आज उत्तर प्रदेश में 2400 घंटा किसान को लाइट मिल रही है, और शहरों में भी। आपको रोकूंगे, प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है, तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रही है, एएनबी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी का रोड शो ये देखिए। कुछ ही देर पहले लखनऊ पहुंची थी, वहां पर लखनऊ पहुंचकर पहले ये रोड पर बैठी थी, मौन धारण किया था प्रियंका गांधी ने, उनके साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, और ये तस्वीरें आप देख रहे थे जो तस्वीरें थी प्रियंका गांधी के रोड शो की। हमारे साथ इस समय दोनों खास मेहमान भी इस समय जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? कुंवर सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही, दोबारा संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसा माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कैसा माहौल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। और मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि यूपी में इलेक्शन की जो तेजी इस समय देखने को मिल रही है, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, उसके बाद जैसी लहर देखने को मिल रही है उससे ज्यादा सरगर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुंवर सिंह जी, बीजेपी को कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते आप जिससे कि धरातल पर नजर आए? क्योंकि आप नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि सत्ता में हैं और आने वाले समय में भी सत्ता में काबिज हो जाएंगे। जब सत्ता में आदमी अपने सत्ता में मदमस्त हो जाता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है, और वो पागल हाथी की तरह कार्य करता है, उसको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जनता से जो जनता के लिए कार्य करना चाहिए उससे दूर राजतंत्र, अफसर तंत्र, लाल फीता शाही, और उनको ऐसा लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो जनता के लिए उचित होगा। लेकिन देखिए लोकतंत्र है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं,
एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपने अभी T20 का कहा, तो ये हमारे कप्तान साहब से कि अमित शाह जी के बेटे जैसा विश्व पदक लेके आए थे जो उनको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? अगर भ्रष्टाचार ये नहीं है तो ये भ्रष्टाचार क्या मानते हैं? कौन सा जैसा है ने कितने वनडे क्रिकेट मैच खेले, कितने टेस्ट मैच खेले कि उसको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया? और इस कोरोना महामारी में भी आप यूपी के मैच पर आइए, यूपी में बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, 6 महीने का वक्त बाकी है बस। हाँ तो यूपी में मैच होगा ना, हम तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ कहिए हमारे नेता, अभी अभी ये कह रहे थे कि हम प्रियंका मंत्र कह रहे हैं, आप जबरदस्ती का जुमला मंत्र नहीं कह रहे हैं। जिस आदमी ने 2014 से 2019 तक इन्होंने कहा उज्ज्वला का गैस सिलेंडर बांटे, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी गैस सब्सिडी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? आपने 3 करोड़ किसानों को, जिनको किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, केवल 77 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसान सम्मान निधि कहाँ है वो? किसानों को गन्ना भुगतान होना चाहिए, कहाँ है किसानों का गन्ना भुगतान? आप तो सिर्फ कह रहे हो, जुमला है, और आपके गृह मंत्री आएंगे अमित शाह और एक झटके में कह देंगे मोदी जी ने जो कहा वो जुमला है, ना क्वाटो बनेगा ना उत्तर प्रदेश बनेगा, फिर ये क्या जवाब दे? कैप्टन आइसिंग, बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी यूपी आ चुकी है, तस्वीरें अभी हमने दिखाई, रोड शो चल रहा है उनका, बहुत भीड़ है। काजल जी, ये तो जो है ना थोड़ा कमजोरी, अगर वो मदारी बनाता है बजाता है तो वहाँ पे मदारी का खेल देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, तो भीड़ की आप ना सवाल आप पर भी लागू होता है, अगर आप कांग्रेस के लिए बोलेंगे आप पर भी लागू होता है, अगर वो आप पर बोल देंगे तो फिर आपको बुरा लग जाएगा? नहीं, बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल। हम भीड़ तो हम भीड़ को दूर हिसाब से देखते हैं कि इसमें कितने लोग समाता देखने आए हैं और कितने समर्थक हैं, हम उस हिसाब से देखते हैं। अब गिनते तो आप भी नहीं है कैप्टन आइसिंग, गिनते तो बीजेपी वाले भी नहीं है कि इसमें कितने तमाशा देखेंगे, कितने वोट देंगे, गिनते तो आप भी नहीं है। आज प्रियंका गांधी गई है तो वो प्रियंका गांधी को देखने आए, कांग्रेस की क्या है क्या नहीं उसको देखने नहीं आए, तब प्रियंका गांधी को देखने गए, क्योंकि प्रियंका गांधी एक दो फीस है, कभी कभी बाहर आती है, हर बार तो जाती नहीं है उत्तर प्रदेश में, जब कोई तृष्टिकरण की राजनीति करना होगी तब निकलती है बाहर। तो हम इनको बिल्कुल ही चैलेंज नहीं मानते, इनको कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका वजूद खत्म हो चुका है देश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में खत्म हो चुका है। और ये कभी कह रहे थे बार बार इन्होंने गन्ना किसानों का सवाल उठाया, तो इनसे ये कहना चाहूंगा थोड़ा पढ़ के आइए, कल खाली प्रियंका 40 पढ़ के मत आया करो, गन्ना किसानों का भुगतान जितना हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है इतना पहले कभी नहीं हुआ है, आज किसी किसान का बैलेंस नहीं है, टोटल हो चुका है, ना पढ़ना आए तो गूगल पे पढ़ाए आप पढ़ लेना, अभी प्रियंका 40 पढ़ते थे डिबेट में मत आया करो, कि प्रियंका 40 याद कर दिया चलो डिबेट में बैठ जाते, कोई गन्ना किसान का बैलेंस नहीं है, सब हमने ले लिया है, तो ये मुद्दे नहीं है इनके पास, फिर आप भागेंगे BCCI से भागेंगे कहीं इधर भागेंगे, अरे भाई मुद्दे पे आइए ना, ठीक है, समस्या क्या है इनके पास? कुंवर सिंह जी मुद्दे नहीं है आपके पास, कुंवर सिंह जी होमवर्क करके आइए, मुद्दे नहीं है आपके पास, ये बीजेपी का कहना है, उनको मतलब नहीं है कि प्रियंका गांधी की रैली में या रोड शो में भीड़ है कि नहीं है, उनका मतलब कुछ और ही है। हमारी बात सुन लीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई बन सकता है, अभी हमारे कप्तान साहब ने कहा कि वहां मुसलमानों पर प्रियंका गांधी नहीं बोल रही, सरकार आपकी है, क्या आप सरकार में रहकर हिंदू मुसलमान के साथ न्याय करते हैं? क्या आपके सरकार में मोहसिन भाई मंत्री नहीं है? क्या आपने मुसलमानों के साथ, आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि हम हिंदुओं की सरकार चलाते हैं, तो फिर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू मुसलमानों का DNA एक है? क्या आप मुसलमान हिंदू के देश को बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं? इनके जो ये कह रहे हैं उन्हीं में इनका जवाब है कि ये कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम हिंदू मुसलमान की पार्टी, हम तो ये कहते हैं सबके हैं हम, ये तो तुम्हारी प्रियंका कह रही है, इसका जवाब दो कि प्रियंका गांधी जब हाथ रख गई तो गाजियाबाद क्यों नहीं गई, इनका जवाब इनसे पूछो क्यों नहीं गई
यहाँ नहीं हुआ। तो हिंदू मुसलमान तो तुम करते हो, हमारे पास हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे पास तो इस देश के नागरिक है और देश का हर नागरिक हमारा है, हम उसके लिए काम करते हैं। ये तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का काम है जो आज जो है ना 70 साल से कैप्टन आईसिंह जात पात की राजनीति सभी कर लेते हैं। कुंवर सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी अगर यूपी में जाती हैं, हाथरस में जाती हैं, तो गाजियाबाद क्यों नहीं जाती है और राजस्थान क्यों नहीं जाती है? राजस्थान में भी तो हो चुका, वहां क्यों नहीं जाती है? क्या यूपी का अपराध अपराध है कि राजस्थान का अपराध अपराध नहीं है? हमारी सरकार है, हम वहाँ कठोरता के साथ पूरे कानून व्यवस्था के साथ हम काम कर रहे हैं और वहाँ कानून राज कायम है। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज कायम है, वहाँ हिंदू मुसलमान देखकर काम किया जाता है। हमारी जहाँ सरकारें हैं, आप राजस्थान देखिए, महाराष्ट्र देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, पंजाब देखिए, हम कानून का राज कायम करते हैं। और ये जो कप्तान साहब कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार हिंदू मुसलमान देखकर काम करती तो आज देश के अंदर जो सरकार महामारी में सरकारी अस्पतालों में दवाई हुई है वो नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी सारे प्राइवेट कर चुके होते और इस महामारी में कुंवर सिंह जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे ये पूछा क्या आपकी नजर में, ठीक है कुंवर सिंह जी, मैंने ये पूछा क्या आपकी नजर में यूपी का अपराध अपराध है, राजस्थान का अपराध अपराध नहीं है? कायम कर रहे, हमने मुकदमा कायम किया, जिसने जिसने गलती की उसको हम जेल भेजे, न्यायालय में प्रकरण जाए। प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी आपने सही बात क्यों नहीं की? जवाब ये दो ना, हमने क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? और गाजियाबाद क्यों नहीं गई? दो बार में गाजियाबाद एक बार भी नहीं गई, क्योंकि गाजियाबाद में उपद्रवी जो है ना समाज के थे और यहाँ पर हिंदू थे, ठीक है, तो हिंदू भी गाजियाबाद का बना हुए हैं। हमारे गाजियाबाद नहीं गई, सीबीआई अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करती है, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपना कार्य करने में हमारी ही सरकार में सक्षम रही है। तभी तुम्हारी आवाज है, दोनों साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी, समझ नहीं आएगा अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो। कुंवर सिंह जी, वो चेहरे पर चुनाव लड़े या फिर अपने काम पर चुनाव लड़े, आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच में, ये बता दीजिए एक बार स्पष्ट रूप से। हमने देश में राज किया है, आज महंगाई से लोग परेशान है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, किसानों की जमीन बेचने की तैयारी है। हम जाएंगे, कांग्रेस के सरकार में किसान खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था, कर्मचारी खुशहाल था, बेरोजगारों को नौकरी मिल रही थी, महंगाई पर काबू था। उपलब्धियां पूछ रही थी, आप नाकामियां लेकर जा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए आप पर रुकना होगा और इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बीट जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले प्रियंका गांधी का रोड शो, उसमें भीड़ बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का काशी दौरा, उससे साफ पता चल रहा है कि पूर्वांचल के वोटरों को किस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए, और सवाल मेरा अभी भी आपसे वही है कि वो चेहरा लेकर जाएंगे, अपना काम लेकर जाएंगे, लेकिन आप क्या लेकर जाएंगे? हम भी काम लेकर जाएंगे। आज देश में जितने एम्स बने हैं, बार बार नाकामियों को गिना रहे हैं ना, आप बार बार सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। अगर सिर्फ नाकामियां लेकर जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, अपनी उपलब्धियां भी ले जानी पड़ेंगी। पल्लवी जी बात तो सुन लीजिए, आप पूरी बात नहीं सुनती है। बोलिए, मैंने जो कहा उसको सुन तो लीजिए। बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जितने भी एम्स बने हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया, मोदी जी ने 16 एम्सों की घोषणा की है, किसी में 100 करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं दिया है, हम वो लेकर जाएंगे। हमने किसानों का 2012-13 में 72,000 करोड़ रुपया माफ किया, हम वो लेकर जाएंगे। हमारी जहां जहां सरकारें हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में थी, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हम वो लेकर जाएंगे। कैप्टन आई सिंह,
आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? काजल जी, जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं, मैं बार बार वही कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास ना तो कुछ कहने को है, ना कोई सुनते हैं, झूठ बोल रहे हैं बैठ के चैनल पे आके। एक शब्द इन्होंने अभी तक नहीं कहा जिसमें सच्चाई हो, टोटल बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मगर काजल जी, हमने जो काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश में किया हो, चाहे हमने केंद्र की सरकार में किया हो, हमारे काम दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने एम्स बनाए, भैया 70 साल में सिर्फ 4 एम्स बनाए तुमने, और हमने 6 साल में 22 एम्स बना दिए हैं। काम चल रहा है, कुछ तो काम करने लगे, रनिंग में आ गए, कुछ जो है ना बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। इंजीनियर कॉलेज इन्होंने कितने बनाए, हमने आज 80 से अधिक इंजीनियर कॉलेज बना दिए। और आज हिंदुस्तान में अगर हाईवे का जाल दिखा है तो ये बीजेपी की देन है। इनके इनके 70 साल के कार्यकाल में कहां हाईवे बने थे बताए, ढाई तक इन्होंने जो बनवाया हो। हाईवे की शुरुआत करी थी हमारे अटल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और तब से काम शुरू चला आ रहा है। आज हमने हिंदुस्तान को एक एक शहर को हाईवे से जोड़ दिया है। जो 10-10 घंटे का सफर होता था, जो हम 2 घंटे में सफर तय कर रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे। इन्होंने 70 साल में एक काम बहुत अच्छा किया है, उस बात के उस काम की इनकी कहना पड़ेगी। इन्होंने इस देश को लूटने में कसर नहीं छोड़ी है, इस देश को जाति में बांटने में कसर नहीं छोड़ी है, इस देश में लूटने की बात करेंगे तो फिर जंगल राज आपको ही कहा जाता है ना। लूटने की बात कहेंगे तो फिर जंगल राज का आरोप आप पर लगता है, अपराधों का आरोप आप पर लगता है। काजल जी, कहने से नहीं होता कि जंगल राज, राम तक को बेच दिया। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज था, आज वहाँ जंगल राज है। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटी ये कहती है कि आज मुझे डर नहीं लगता निकलने में, और पहले बहू बेटी घर से निकलती थी ये सोचती थी सही सलामत घर पहुंचे। आज भी होते हैं कैप्टन आई सिंह, उत्तर प्रदेश में अपराध आज भी होते हैं। महिलाएं खुद को असुरक्षित आज भी महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश से ही हूँ काजल जी, मैं दिल्ली में जरूर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, और मैं मैनपुरी से करता हूँ जो समाजवादी का गढ़ है, वहां से करता हूँ। पर ये कहने वाली बात नहीं, उत्तर प्रदेश आज कितना, उत्तर प्रदेश आज 99% डिकोर है, और आज वहाँ की बहु बेटियां खुद कह रही है, अगर आप उसका कैमरा लेके जाओ पूछो तो। और समाजवादी की टाइम 1% भी डिकोर नहीं थी, तो ये दिखाई दे रहा है, जनता कह रही है। पर ये चीज आपको अभी नहीं, आप तो हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं काजल जी, फिर करेंगे डिबेट जब ये चुनाव हो जाएंगे। आप देखना कि वहां की जो है ना जितनी सीटें हैं उसमें से हम पूछे हैं कि ये सीटें मान लो हम सारी सीटें लेंगे, विकास के नाम पर लेंगे, हम काम के नाम पर लेंगे, हम लोगों की कैप्टन आई सिंह, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने समय भी दिया, बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह जी, सवाल अब आपसे मेरा होगा। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि अपराध खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, कांग्रेस कैसा देख रही है इसको? हालांकि कांग्रेस की नजर में इसको नहीं है ऐसा, आज ही बोल रहे थे अजय कुमार लल्लू की जंगल राज है। कुंवर सिंह जी, ये तो बहन जी आप भी देख रही हैं, जिस तरह से आज भी महिलाएं चीख चीख कर अपनी इज्जत आबरू बचा रही हैं योगी के राज में, तो इतना अत्याचार कभी बहन बेटियों के साथ नहीं हुआ। और कप्तान साहब कह रहे थे हमने 70 साल में भ्रष्टाचार किया, तो आप ही बता दो, नोटबंदी में काला धन में आतंकवाद की कमर टूटी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, आप ही बता दो आपने जो घोषणाएं करी थी क्या वो पूरी हुई? आपने GST का विरोध किया था, कंप्यूटर में आने का जब राजीव गांधी ले आए थे तब आपने विरोध किया था, तो आप बता दो आज वही चीजें आप अपना रहे हो, देश की सरकारी संपत्तियां आप बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, HPCL BPCL आप बेच रहे हो और हमें बता रहे हो। ठीक है। हमारे साथ इस समय सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी इलेक्शन पर चर्चा इस समय हो रही है पाठक जी, यूपी इलेक्शन पर चर्चा हो रही है और यूपी में माहौल इस समय वो हो चुका है जो कि पूरे चरम पर है। प्रधानमंत्री का काशी जाना, प्रियंका गांधी का लखनऊ में जाकर रोड शो करना, सड़क पर बैठ जाना, कैसे आप इसको देख रहे हैं पूरा राजनीतिक समीकरण? देखिए, यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है,
और जो अगर विपक्षी पार्टियों पर देखिए तो उसके पास न कोई मुद्दा है, वो मुद्दा विहीन हो रही है। पहले क्या था कि जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो यूपी गवर्नमेंट योगी जी के गवर्नमेंट की नाकामी गिना रहे थे, और ये पूरे भारत वर्ष में हर एक स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी थी, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने संभाला हर एक डिस्ट्रिक्ट को, आप देख सकते हैं कि आज के डेट में एक्टिव केसेस कितने यूपी से आ रहे हैं। और जो प्रियंका गांधी का ये करना, तो वो अपनी राजनीति, कांग्रेस जो है यूपी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में दो मेन जगह था, एक अमेठी और रायबरेली। अमेठी तो हाथ से निकल गया, और इस बार लगता है कि कहीं इस जो 2022 के चुनाव में रायबरेली से भी पत्ता साफ ना हो जाए, 2024 में रायबरेली भी खत्म हो जाएगी। तो इनकी जो अस्तित्व की लड़ाई है कांग्रेस की, और बीएसपी का भी वही हाल हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी एन केन प्रकारेन अपने अस्तित्व को बचाने में लगी पड़ी है, और मैं मानता हूं कि बीजेपी जो है अभी फ्रंट फुट पे है। अगर डेवलपमेंट का देखा जाए तो अभी थर्सडे को प्रधानमंत्री जी ने रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया, और आप देख सकते हैं कि इतने दिनों के उसमें, मतलब कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी का ले ले या बीएसपी सुप्रीमो उनका ले ले, मायावती जी का ले लीजिए, जो स्टेट जो यूपी है वहां पे टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी इतनी है, वहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं और देश के अंदर के लोग तो जाते ही। और जो हमारा काशी है वाराणसी, उसको इस तरीके से डेवलप कर रही है बीजेपी, तो ये आने वाले दिनों में यूपी के रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ही अहम योगदान देगा। सर्वेश्वर जी, ये जो काशी दौरा प्रधानमंत्री का था, ठीक है वो संसदीय क्षेत्र है, वहां उनको जाना चाहिए, लेकिन इसी को चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है कि वहीं से जाकर बिगुल बजाया, जैसी बातें प्रधानमंत्री की थी। देखिए, बिगुल बजाने का अगर उनका क्षेत्र है, आप खुद सोचिए कि भारत वर्ष के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो अपने क्षेत्र में कितनी बार गए हैं, उनका ब्यौरा निकाल के देख लीजिए और प्रधानमंत्री का जी देख लीजिए। तो इसमें अगर यूपी के वो नितत्व, मतलब जो निरंतर जो डेवलपमेंट के लिए वो लगे रहते हैं, तो अगर वहां से जाके अगर वो चुनावी बिगुल फेंक रहे हैं तो इसमें समस्या कहाँ आ पड़ती है। उनका वो क्षेत्र है, और क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता की बात वहां सुनने या जनता के बीच में अपने आप को अगर प्रधानमंत्री पाते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां की जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि देश का प्रधानमंत्री कम से कम बीच बीच में तो आके वहां पे हाल चाल लेते रहता है उस अपने क्षेत्र की जनता का। और मैं मानता हूं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का जगह है, अगर बीजेपी अच्छे कार्य शुभ कार्य अगर वहां से करती है तो अच्छा ही होगा, इसको किसी भी डिफरेंट एंगल से नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का अगर बनारस दौरा जाना है तो मैं बहुत अच्छा संकेत मानता हूं कि वहां के संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि नित नए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वाराणसी। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल हैं, चाहे सपा बसपा या फिर अन्य दलों को हम ले लेते हैं, अगर शुरुआती दौर अभी एक तरीके से शुरुआती दौर ही है क्योंकि 6 महीने का वक्त अभी बाकी है, कहां कहां पर वो नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर शुरुआती दौर में बीजेपी को अपनी सार्थकता सिद्ध इसलिए करनी पड़ रही है कि अभी आप देखिए कोरोना के कारण दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है सरकार को, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट रूल कर रही है यूपी में, दूसरी बात कोरोना की दूसरी लहर में देख लीजिए कि क्या हाल हो गया था, और तीसरी लहर भी आने की संभावना है। तो अगर बीजेपी अभी से तैयारी नहीं करेगी तो उसको खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने तैयारी की, और जो जिला परिषद का चुनाव ले लीजिए, पंचायत चुनाव ले लीजिए, ब्लॉक लेवल का चुनाव ले लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। ब्लॉक लेवल के चुनाव में तो उन्होंने 600 से ऊपर की सीटें हासिल की हैं, तो ये एक उनके लिए अच्छा संकेत है। बाकी की पार्टियां मैंने कहा ना, उनको अपने अस्तित्व बचाने की है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो एक अच्छा टक्कर बीजेपी को देने के मूड में है। बहुत शुक्रिया आपका कुंवर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई है कि टक्कर देते हुए बीजेपी को कोई भी पार्टी इस समय नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB News। नमस्कार।
खबर नामा, खबर से असर तक।